गलती से भी झाड़ू पर पैर ना लगाएं, वरना भुगत पर सकते हैं बुरे परिणाम। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में अगर आप झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों का पालन करें तो बुरे परिणामों से बच सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए, साथ ही झाड़ू से जुड़ी वे कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान हर व्यक्ति को अपने घर में जरूर देना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि झाड़ू किस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। देखिए, शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना अच्छा शगुन नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति में शनि दोष लगता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, यह आर्थिक तंगी का संकेत माना जाता है। रविवार और गुरुवार के दिन झाड़ू खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां घेर सकती हैं। इसलिए जब भी झाड़ू खरीदे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं झाड़ू को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहाँ हर किसी की नजर इस पर पड़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच रखना अच्छा माना जाता है। झाड़ू को कभी भी सीधा खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमेशा हिलाकर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। अब बात करते हैं कि झाड़ू पर आपके पैर क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये शुभ क्यों नहीं माना जाता। देखिए, वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में टूटी हुई झाड़ू को तुरंत बदल देना चाहिए। झाड़ू पर बार बार पैर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इससे देवी लक्ष्मी दुष्ट हो जाती है। यदि आप भी इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं तो आज ही से इन चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पीच।